हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे और रियलमी का लेटेस्ट फ़ोन रियलमी नार्जो 20 फ़ोन, नार्जो 10A के बाद सबसे अच्छा फ़ोन है ये। और इसका मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, अभी भी डिलीवरी बॉय मुझे दे के गया है, तो मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसा आप देख पा रहे हो। मैं मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है खोलने के लिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मतलब नया फ़ोन आ जाता है ना, तो काफ़ी एक्साइटेशन होता है खोलने का। जब तक डब्बे से नहीं निकल जाता तब तक तो लगता ही है कि यार वही एक अच्छी सी फीलिंग आती है। फिर उसके बाद जब फ़ोन हाथ में आ जाता है तो फिर यार वही नॉर्मल फ़ोन की तरह हो जाता है। तो देखिए, अभी मैं खोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है मुझको। और फाइनली ये देखिए, मेरा इनवॉइस कितना है, अराउंड 10,000 रुपीज़ का। इस फ़ोन की मैंने काफ़ी मतलब फर्स्ट सेल में ही मैंने इसको परचेस किया है। और ये देखिए कितनी गजब की पैकेजिंग है। बहुत लोगों ने यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग के ऐसे वर्स्ट डाले कि फ्लिपकार्ट गलत डिलीवरी देता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग है, डब्बा भी पूरा सील पैक है। तो अब हम देखते हैं कि वॉट इज़ द कंडीशन। अब पहले तो फ़ोन को खोलते हैं, क्योंकि अब कंट्रोल बिल्कुल भी होने नहीं रहा है मुझे। तो अब हम आराम आराम से धीमे धीमे से हम फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे, जिससे कि आप लोगों को लगे कि हाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का फर्स्ट टाइम। और तो दोस्तों, फिर ये देखिए फ़ोन मेरा ओपन हो रहा है। और ये देखिए, फाइनली मेरे हाथ में न्यू फ़ोन रियलमी नार्जो 20 आप लोगों के फ्रंट। और क्या है गजब का फीचर इस फ़ोन का। मैंने तो सुना था इस फ़ोन के साथ शायद ईयरफोन भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्मार्टफोन के साथ ईयरफोन नहीं आता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और काफ़ी इसकी टाइट पैकेजिंग है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। इस बार इसमें सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या दिया है कि इसमें कोई भी कैश नहीं दिया है आप लोगों को, है ना। और जब तक कैश ना दे तब तक कोई मतलब नहीं रहता इसका। और चार्जर भी इसका देखिए बिल्कुल ख़तरनाक सा चार्जर दिया है। और फ़ोन को ना मैं बूट अप कर रहा हूँ और फ़ोन मेरा चालू हो चुका है। और इसका बायोमेट्रिक के फिंगरप्रिंट पीछे साइड में है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ़ोन का मेन्यू बिल्कुल नॉर्मल एंड्रॉयड 9 वाला जैसे लुक है, इसमें कोई ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं है। और फ़ोन बहुत ही स्मूथ है, इसका कॉर्नर गोरिल्ला 5 ग्लासेस यूज़ किया गया है। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा मतलब यूज़र कंफर्टेबल है। आप वो 100 में इसको जल्दी से पिकअप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इसका आप इंटरफेस देखो, इस बार इंटरफेस इसका इन्होंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट कर दिया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हो, सिंपल सा है यूज़ बिल्कुल भी। और इसी की तरह एक नार्जो 20A भी आ रहा है, बस उसका फीचर सेम है, बस उसके कुछ स्पेसिफिकेशन कम डाल दिए हैं। तो सेम है मॉडल पूरा, लुक लाइक सेम है पूरा। और मैं इसमें आपको ये कुछ दिखा पा रहा हूँ, जैसे कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है और रैम रोम जो भी है वगैरह, आप तो देख ही पा रहे होंगे। और मैं आपको बिल्कुल बिलीव मानिए कि मुझे यूज़ करते हुए 1 दिन हो गया, बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है, पूरा 1 दिन चलाया। और सबसे बड़ी बात है बैटरी इसकी, जैसा देखने में 6000 mAh है ना, आपको बिलीव मानोगे 18 वाट के चार्जर से ये 1 घंटे में फुल चार्ज हो रहा है। और फ़ोन बहुत ही ज़्यादा देर तक चल रहा है। मैंने सुबह से 2 मूवीज़ निपटा दी हैं और इतने बड़े बड़े फ़ोन हीट नहीं हो रहा, सबसे अच्छी बात यह है। तो ये मतलब जनरेशन के हिसाब से अच्छा फ़ोन है। आप देख रहे हो कि 2G और डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है। इसमें तरह तरह का इंटरफेस है कि आप जैसा आप इसको कंफर्टेबल बनाना चाहते हो तो वैसा ही बन सकता है। और
और ये अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ में क्लिक करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ रहेंगे इसमें। तो बस यही है सबसे, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर करिए वीडियोज़ को, और इस फ़ोन का एक बार ज़रूर ऑर्डर करके देखिए, अच्छा फ़ोन है। और कोई भी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।